एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन। ये मैं बंगाली स्टाइल में मटन बनाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा है हाफ के जी मटन ले लिया मैंने। इसे अच्छे से धो लिया। फिर इसमें मैरिनेशन के लिए मैं थोड़ा सा सरसों का तेल, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कच्चा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, इसको थोड़ा सा डाल के मैं इस तरीके से मैरिनेशन करके रख दूँगी। अच्छी तरीके से मैरिनेशन करके मैं इसे रख दूँगी। मसाला पूरा इसमें अच्छे से फिर वो हो जाता है, मिल जाता है। ये देखो, फिर मैं अब अदरक लहसुन, थोड़ा सा प्याज पीस लूँगी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, लौंग, इलायची, दालचीनी और ग्रीन चिल्ली, दो रेड चिल्ली। इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा। ये देखिए, अब ये इसे ग्राइंड कर लिया है मैंने, रख दूँगी। मसाला रेडी हो गया मेरा। ये देखो, अब मैं उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दही मिलाऊँगी मटन में। मैरिनेशन करने के बाद थोड़ा सा 2 चम्मच, ताकि मटन थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो, इसलिए मैं इसमें दही ऐड करी हूँ। इसको भी रख दूँगी साइड में। अब मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, मैं सरसों तेल गर्म करूँगी। जब मेरा तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं आलू फ्राई कर लूँगी। मोस्टली बंगाली लोग आलू खाते ही हैं मटन में, इसलिए आलू फ्राई करके निकाल लेना है, बाद में ऐड करना है जब मटन फ्राई करेंगे तब। देखो, मेरा आलू फ्राई हो गया है। इसे मैं अच्छी तरीके से ब्राउनीज फ्राई कर लूँगी। हो गया मेरा आलू फ्राई। अब मैं इसे निकाल कर रख लूँगी। पूरा आलू निकाल कर रख लूँगी। ये देखो, निकाल लिया मैंने आलू। अब तेल में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग, 2 तेज़ पत्ती, सूखा मिर्च, 2 बड़ी इलायच और थोड़ा सा जीरा। इसे फ्राई कर लूँगी। फिर मैं ऐड करूँगी थोड़ा प्याज, प्याज थोड़ा पीसी हूँ और थोड़ा सा इसमें ऐसा फ्राई कर लूँगी। जब मेरा ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा, फ्राई हो गया हल्का हल्का ब्राउन, फिर इसमें मैं ये मसाला पीसा हुआ ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं थोड़ा लाइट बना रही हूँ, नहीं तो काफ़ी और प्याज भी डाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा कम मसाले वाले ही बना रही हूँ। हो गया, इसे अच्छी तरीके से मसाला फ्राई करना है। अगर मसाला कच्चा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत देर से ढक ढक कर मसाला अच्छे से फ्राई करिए। थोड़ा मसाला नीचे से जलने लगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ये देखो इस तरीके से पानी डाल डाल कर अच्छे से मसाला फ्राई कीजिए, ताकि उसमें कच्चा कच्चा स्मेल ना आए लहसुन का, नहीं तो जल्दी जल्दी में फ्राई करने से स्मेल आता है। इसलिए मैं बहुत देर तक मसाला फ्राई करती हूँ। अगर चिपकने लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फ्राई कर लें इस तरीके से। अच्छे से फिर पानी सूख जाए, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि मटन में तो हम सारा मसाला ऐड कर ही चुके हैं, इसलिए ये मसाला फ्राई होने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक। हो गया मेरा मसाला फ्राई। देखो, अलग से तेल छोड़ने लगा। अब मैं पूरा मटन इसमें मिला दूंगी। आलू को अभी नहीं डालना, आलू साइड में रख देना है। जितना मटन था मैरिनेशन वाला, वो डाल देना है। फिर अच्छी तरीके से फ्रेंड्स, बहुत देर मटन बनाने में लगता है। ये देखो, बहुत फ्राई करना पड़ता है। फिर भी अगर वो हार्ड रहा, सॉफ्ट ना रहा, तो उसे कुकर पे सीटी भी लगाना पड़ सकता है, पर मुझे आज लग रहा है नहीं हो जाएगा, फिर भी देखती हूँ। देखो, अभी आलू ऐड किया मैंने। इसको अच्छी तरीके से, बंगाली में बोलते हैं कौशानो खाशीर मांगशो, ऑनिक टेस्टी यमी। बंगाली देर तो ज़्यादा बंगाली তারা তো বুঝছেই, লেকিন নন বাঙালিরা ভাবছে হবে কেমনি রান্না করছে, আলু দিয়ে দিল। এই যে আমি গরম জল, সরি পানি,
বাংলা কথা বলতে বলতে ভুলে গেলাম। এই যে জল গরম করে দেব, ये देखो बनकर तैयार हो गया मेरा मटन। हमेशा मटन में गर्म पानी करके ही ऐड करें, उसके बहुत देर पका ले, फिर देखो बनकर तैयार हो गया मेरा मटन। यमी यमी फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। बाय बाय।